गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इट इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। अभी तो फिलहाल मैं पूजा करने जा रही हूँ, फिर रेडी होती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या है आज। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, देख रहे हो ना मेरे हस्बैंड को पानी डाल रहे हैं, मैं देख रही हूँ फटाफट तैयार हो रही हूँ। मैजिक किया, मैजिक ऐसा मैजिक किया है कि मैं भूल गई पीछे पोछा पड़ा है, पोछा। गाइस, इतनी जल्दी में थी ना कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, मैं निकल गई हूँ जहाँ मुझे जाना था, जहाँ के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मिलते हैं कि ना वहीं पे। गाइस, रिक्शा वाले भैया ने तो मुझे रोड पे उतार दिया। एक्चुअली यहाँ पे ना अंदर थोड़ा सा गली है, तो ब्रेकर बहुत है, तो मैं नहीं चाहती थी कि अंदर जर्क मुझे ना नहीं चाहिए था। उससे था मैंने कहा मैं वॉक कर लूँगी, दो मिनट का डिस्टेंस था। तो बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ससुराल। अब मैं हम एक करीब एक डेढ़ घंटा बीत चुका है और हम लोग निकल रहे हैं जहाँ हमको जाना था, कौशल्या माता मंदिर जाने वाले हैं। तो चलो आज मैं आप लोग को वहाँ पे घुमाने वाली हूँ। देखो इनको, देखो इनको, देखो इनको। बेबी माय क्यूट डॉग, लेट गो। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और क्या कड़क धूप थी यार। और देखो मेरे इर्द गिर्द जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरी बहुएं हैं। सही सुना आपने, ये लोग मेरी बहुएं, मैं इनकी सास हूँ। देखो हमारी बारात निकल चुकी है एकदम तेज गर्मी में। अब बैठ चुके हैं हम लोग गाड़ी में, हमारी मस्ती मजाक सब शुरू है। हाय करो, से हाय। हाय हाय बोलेंगे सब, हाय बोलेंगे, कहाँ है कोई नहीं दिख रहा। हेलो। तो गाइज़, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और अभी कंस्ट्रक्शन ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पे कौशल्या माता मंदिर के इधर। और ये सामने में जो दिख रहा है ना आपको, राम भगवान की ये बहुत बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है पत्थर में और बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। और ये देखो मेन गेट है हमारे मंदिर का, हमारे मंदिर मतलब कौशल्या माता मंदिर का। एंड अब बस हम लोग अंदर जा रहे हैं। हालत बहुत ख़राब थी यार, बस इतनी कड़क धूप थी और तारुस सो चुका था और मैं उसको बस गोदी में लेके यहाँ से वहाँ घूम रही थी। सो गाइज, आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ सब तरफ से ये जो मंदिर है ना तालाब से पूरा घिरा हुआ है और बीचों बीच कौशल्या माता का मंदिर है। तो ये बस हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, बीच में से वे बनाया हुआ है मंदिर तक जाने के लिए। बहुत ही सुंदर है यार। बस ये था कि दिन के टाइम नहीं जाना, आपको जाना होगा ना जब भी, तो इवनिंग में जाओ या अर्ली मॉर्निंग जाओ ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे मौसम। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो इन सब चीज़ों को एज अ पेरेंट हमको सोचना पड़ता है। तो हम लोग तो ज़्यादा देर रुके नहीं थे, बस दर्शन किए यहाँ वहाँ, मैंने बस रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिकॉर्ड किया है और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो आप इन्जॉय कीजिए वीडियो, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा।
बाउंड्री देखो, तो बाउंड्री देखो वहां का। अरे मैं बर्थडे बॉय की हालत खराब हो गई है भाई। सो गाइस बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है यहाँ, जो ये मंदिर जो जिन्होंने भी बनाया होगा, डिज़ाइन किया होगा, मतलब ये देख रहे हो पूरा हाथों से ब्रिज को पूरा होल्ड करते हुए दिखाया हुआ है। एंड पानी के बीचों बीच भी समुद्र मंथन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान रेस्ट करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है। एंड यहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो ये तो हो गया मंदिर। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं दूसरी जगह जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। दर्शन तो हो गए, देखो अब कहाँ लेके जा रहे हैं। ये सीधा देखो गेट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। सो होटल लेवल 3, ये होटल फर्स्ट टाइम में आ रही है। तरीके सुन गया, पहले तो हम लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए, हाँ हम लोग आते थे सिर्फ मैच देखने के लिए, आईपीएल और ये सब बड़ी स्क्रीन लगे रहती थी यहाँ पे। आया भांजे। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, लेवल 3 होटल का नाम है। एंड एंट्रेंस में ना मालूम है ना, प्लांट लवर जो गार्डनर्स होते हैं उनका पौधों के ऊपर तो ध्यान जाते ही। तो देखो ये जो एंट्री पे जो प्लांट है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, एक गेव मैंने आपको पहले भी दिखाया जब लास्ट, मैंने कुछ दिन पहले ये प्लांट परचेज किया है। सो ध्यान तो जाते ही है, देखो ऑर्नामेंटल प्लांट। एंड अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हो बुद्धा जी एकदम मस्त आराम से आराम कर रहे हैं। लेते हैं अंजू। सो ये गाइस देख लो हमारा बर्थडे जो, जहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, वैसे हम लोग वहाँ पे एंट्री कर लिए। और ये क्या है, ये देख रहे हो हमारे घर के लोग यहाँ पे विराजमान हैं, सब के सब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। अब ये देख रहे हो इतना अच्छा दिख रहा है ना, एंड में तो इस रूम का जो हाल हुआ था, मैं क्या ही बोलूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस यही है। ये देख रहे हो हमारी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू है, और ये है हमारे हीरो आज की शाम की। आज की शाम की नहीं भाई, हमारे सुपरस्टार हैं ये, हमारे घर के सबसे छोटे से हीरो है। एंड आज इनका है हैप्पी बर्थडे। Thank you.
गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए यार। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे, बाय बाय।